हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवान क्लासेस। आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज की 8.4 के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा, उन बातों का ध्यान रखना और गौर करना, और उन बातों को आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ अंक कट जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा। हमें क्या करना है कि हमारा ये जो LHS है इसको हमें इस RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे मेन बात ये है कि सबसे पहला काम पहले LHS हल करना है, उसके नीचे ही RHS हल करना है, उसके सामने नहीं करना है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो भी त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं उनको साइन और कोस में चेंज करना है, सिर्फ साइन और कोस में, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा। हमने हमारा LHS लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कोसेक थीटा का मान होता है 1/ साइन थीटा और कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे और इसके साथ साथ ये हमें यहाँ लिखना भी है, शो भी करना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी कौन सी सरस्वती का हमने यूज की है। कोसेक थीटा की जगह 1/ साइन थीटा, कोट थीटा की जगह कोस थीटा / साइन थीटा स्क्वायर ऐसे ही दे रखा है। अब हमने इनका LCM लिया, LCM माइनस 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमने इन दोनों पे अलग अलग लगाया है। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हमने इसको दो बार लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, इसमें हम हमारे 9th क्लास में यूज की हुई आइडेंटिटी सर्वसम्मिति का यूज करेंगे। क्या थी वो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर किन्हीं दो संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है और उनके बीच में माइनस का साइन दे रखा है तो उनकी जो पावर है उनको आधा कर देते हैं और दो बार लिखकर एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन लिखते हैं। देखो यहाँ पे ए की पावर 2, यहाँ पे ए की पावर 1, यहाँ पे भी ए की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 1, यहाँ पे माइनस का निशान है तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। याद रखना है कि पावर को तो आधा आधा करना है, दो बार लिखना है और बीच में निशान एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो वही किए मैंने, देखो कि इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2 और ये कोस स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, एक बार लिख देंगे हम 1 प्लस कोस थीटा। ये पद पहले लिखो चाहे ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर उनके क्रम से उनके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप देखिए ये पद सेम है तो ये आपस में एक दूसरे के डिवाइड में, तो ये दोनों पद आपस में कट हो जाएंगे। हमारा रहेगा ऊपर तो रहेगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे रहेगा 1 प्लस कोस थीटा जो कि हमें RHS में दे रखा है। तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू RHS इंप्लाइज टू LHS इक्वल्स टू RHS। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है कि 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ये मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा LHS है और इक्वल्स टू के उस तरफ वाला हमारा RHS है। तो LHS लेंगे tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। वही हमारा पहला नियम कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कोस में चेंज करना है। तो हमारे पास एक सूत्र है tan थीटा का कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा / cos थीटा और cot थीटा होता है हमारा cos थीटा / sin थीटा। ये सब समीकरण आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए। मान रखेंगे हम tan थीटा का मान, cot थीटा का, cot थीटा का, tan थीटा का। अब न्यूमरेटर जो हमारा है वो हमने एज इट इज लिख लिया।
अब हमें डेनोमिनेटर को एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूँ कि एलसीएम लेते वक्त अगर पहले वन लिखा हुआ है, सिर्फ वन है, तो इस डेनोमिनेटर को वन से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, और बाद वाला पद एज इट इज। तो मैं क्या लिखूंगा कि इसको वन से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज होल अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये लिखा है मैंने, साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार इसमें भी मैंने ये किया है कि इस बार यहाँ पे कोस थीटा दे रखा है डेनोमिनेटर में, तो कोस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कोस थीटा। एक रूल और आपने गणित में पढ़ा है कि चार संख्याएं अगर अपॉन में दे रखी हो तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ एंड सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्ड। तो पहली को चौथी से, पहली है साइन थीटा, चौथी है साइन थीटा, मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड है कोस थीटा, थर्ड हमारी साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, ये प्लस का साइन। इसमें भी वही रूल, फर्स्ट कोस थीटा, फोर्थ कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सेकेंड इज साइन थीटा और ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मेन सबसे इस क्वेश्चन को हल करने में प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि यहाँ पे तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हमें बदलना है तो हमें इन दोनों का सीक्वेंस चेंज करना है, साइन थीटा को पहले लेना है जो कि माइनस का पद है, कोस थीटा को बाद में ले जाना है जो कि प्लस का पद है। लेकिन इसमें इसका उल्टा है कि साइन थीटा को तो बनाना हमें प्लस का और कोस थीटा को बनाना है माइनस का। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इनमें से माइनस का एक साइन कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा का जो माइनस का साइन कॉमन आया तो साइन थीटा तो बन गया प्लस का, और कोस थीटा में से माइनस का साइन ले लेंगे तो कोस थीटा बच जाएगा माइनस का। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस माइनस साइन को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस का साइन थीटा आ गया, इस माइनस के साइन को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा आ गया। ये हमारा करने का मेन कारण क्या है कि हमारा ये जो पद है वो सेम आ जाए ताकि हमारा एलसीएम लेना इजी हो जाए। अब हम लेंगे इसमें एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा, ये पद दोनों में कॉमन है तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब एक रूल आपने और पढ़ा है कि जब हम एलसीएम लेते हैं और हल करते हैं तो वो रूल क्या है, वो रूल ये है एलसीएम डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर। ये फॉर्मूला आपके बहुत जगह काम आएगा, आपको इसको रखना है कि जो एलसीएम हमारा पद है उसमें हमें इस डेनोमिनेटर, पहले पद के डेनोमिनेटर का डिवाइड करना है। तो आप देखिए साइन थीटा से कैंसिल, कोस कोस से कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा, जो बच गया उसको हमें न्यूमरेटर ऊपर वाले पद से गुणा करना है, तो ऊपर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा जिसको हमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आ गया साइन क्यूब थीटा। यही प्रोसेस हम इसमें लगाएंगे, ये हमारा एलसीएम, ये लिख लिया एलसीएम, एलसीएम में इस डेनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो इस बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो पहले की तरह कट जाएगा, इस बार साइन थीटा से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा कोस थीटा, इस कोस थीटा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया स्क्वायर दे रखा है और हमने न्यूमरेटर से दोबारा कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो कोस थीटा आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको सीखना है, ये हर तरह के क्वेश्चन में लागू होता है, बच्चों की अक्सर गलती होती है एलसीएम निकालने में, गुणा भाग करने में। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि जो एलसीएम लिया है आपने उसमें डेनोमिनेटर का डिवाइड और जो आंसर आ जाए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब हमारा टर्म क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमें इसकी आइडेंटिटी लगानी है जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी है, वो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो पहले ब्रैकेट में माइनस का फिर दूसरे में प्लस का, ये दोनों पद तो हमेशा प्लस के ही आएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो पहले ब्रैकेट में प्लस का फिर हम माइनस का यूज करते, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैंने ये अगला पद लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन इंटू कोस। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेनोमिनेटर का पद था,
कि इसमें से ये पद और ये पद दोनों आपस में सेम है तो कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा कि इन दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, sin square theta plus cos square theta equals to 1 होता है। तो इसकी जगह हमने लिखा है ये 1। ये भी आपको साइड में लिखना है इस तरीके से कि जो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसका 1 आ गया प्लस sin theta cos theta अपॉन में आ गया sin theta cos theta। अब नीचे एक पद है, ऊपर दो पद है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इस नीचे वाले पद को ऊपर वाले दोनों अलग अलग पदों के साथ लिख सकते हैं कि 1 अपॉन sin theta cos theta प्लस का साइन sin theta cos theta sin theta cos theta। अब आप देखिए कि हमारे पास पहला पद तो ये है, दूसरा पद ये है, इसको हमने लिखा 1 अपॉन sin theta मल्टीप्लाइड 1 अपॉन cos theta। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, sin theta को cos से किया तो sin theta cos theta ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये दोनों सेम पद है। सेम पद को आपस में काटते हैं तो 1 प्राप्त होता है। बच्चे अक्सर यहां गलती करते हैं कि इसकी जगह 0 लिख देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर 5 में 5 का डिवाइड किया जाएगा तो 1 टाइम होगा, x इज डिवाइडेड बाय x तो हमारा 1 आएगा। इसी तरह से sin थीटा cos थीटा को sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये 1 मैंने पहले लिख दिया, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, यही हमारा आरएचएस देता है 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, या हम कर सकते हैं 1 प्लस sec थीटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, तो वो एक ही बात होती है, यही हमारा आरएचएस है। तो इस तरह से हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूव हो गया और हम इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।